हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज 15 मिनट में यम्मी सुपर टेस्टी डिज़र्ट बनेगा। अरे गणपति स्पेशल डिज़र्ट है फ्रेंड्स, आप घर पे बना के गेस्ट को खिला सकते हो। तो केक कैसे बनते हैं चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये यम्मी डिज़र्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया और इसमें 1 कप तेल डाल के लिया फ्रेंड्स, और 1 चम्मच घी डाल के लिया। आप चाहे तो पूरा घी में भी बना सकते हो, तो बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मैंने इधर 4 से 5 ब्रेड लिया और इसे 4 हिस्से में कट करके लिया और इसे तेल में अच्छे से फ्राई करके लेने का फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड में अच्छे से अल्टी पल्टी करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेने का, और कुरकुरे क्रिस्पी होने तक आप ध्यान रखिए, नहीं तो इसमें कलर आ जाता है, जल्दी से कलर आ जाता है। तो गैस का फ्लेम भी आप थोड़ा स्लो ही रखिए। तो देखिए हमारा फ्राई हो चुका, अब हम इसे निकाल के लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका, मैं पूरा निकाल के ले रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद सेकेंड बैच भी फ्राई करके लूँगी इसी तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सेकेंड बैच भी डाल दिया फ्राई करने के लिए। तो सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो चुका, इसे भी हम निकल के लिए फ्रेंड्स। अभी ये जो कढ़ाई में तेल है, तेल को निकल के एक बर्तन में डाल के लेंगे। कढ़ाई का अच्छे से धो के लूँगी मैं, और इसी कढ़ाई में मैं 2 कप दूध डाल के लूँगी फ्रेंड्स। अरे फुल फैट दूध है, आप चाहे तो आधा लीटर दूध, डायरेक्ट आधा लीटर दूध यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया फ्रेंड्स, इसमें मैं 2 चम्मच। तो फ्रेंड्स 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके लेने का। देखिए इस तरह से गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, और ये जो कस्टर्ड पाउडर डालते हो तभी दूध अपना ठंडा रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका। अभी गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और जो कस्टर्ड मिल्क बना के रखा है इसी में डाल के कंटिन्यू से चलाते रहने का फ्रेंड्स। देखिए इसे आराम से डालते रहिए और चलाते रहिए, इस तरह से कंटिन्यू से चलाते रहने का लो फ्लेम पे, और इसमें बॉयल आने तक चलाते रहने का। तो फ्रेंड्स मैंने 1 कप के 3 हिस्से शुगर लिया है और शुगर को भी डाल के लिया फ्रेंड्स, और शुगर डाल के इसे कंटिन्यू चलाते रहिए 1 बॉयल आने तक इसे चलाते रहने का, और गैस का फ्लेम लो ही रखने का फ्रेंड्स। तो मैं फिर से मैं आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो हमारा दूध देखिए फ्रेंड्स अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, देखिए बॉयल भी आ गया। बॉयल आने के बाद गैस को बंद कर देने का, इसे ज़्यादा नहीं पकाने का फ्रेंड्स, 3 से 4 ही मिनट पका के गैस को बंद कर देने का, नहीं तो जो हमारा दूध एकदम जाड़ा हो जाएगा। अब मैं पूरा मिल्क को डिश आउट करके लूँगी, एक डिश में पूरा मिल्क को फटाफट डाल के लूँगी फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से पूरा मिल्क को डिश आउट करके, जो हमने ब्रेड टोस्ट फ्राई करके रखा है वो इसी में डाल के लेने का, इस तरह से देखिए। और हम आधा ही डिप करेंगे, पूरा डिप नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा क्रिस्पीपन रहेगा, आधा में क्रिस्पीपन रहेगा, आधा में सॉफ्टनेस रहेगा, तो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत एमी लगेगा फ्रेंड्स। अब पूरा डिप करेगा तो हमारा ब्रेड जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स, तो इस तरह से थोड़ा करंचीपन रहेगा तो खाने में बहुत स्वादिष्ट और बहुत एमी लगते हैं। तो मैं फ्रेंड्स इसमें काजू बादाम और पिस्ता डाल के लिए, आपको जो भी पसंद है आप वो डाल के लीजिए, किशमिश भी आप डाल के ले सकते हो। तो इस तरह से डाल के फ्रेंड्स 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने का डाल रख देने का फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स 2 घंटे के बाद मैं निकल के दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितना सुपर टेस्ट और यम्मी लग रहा है, और एकदम जाड़ापन आ गया, पूरा ब्रेड ने पूरा मिल्क सोख लिया। तो आप भी इसी तरह से गणपति में बनाइए, और जो भी मेहमान आपके घर पे आए आप इस तरह से एक डिज़र्ट दीजिए, देखिए कितना खुश हो जाएगा। तो मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आप मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से आप घर पर ज़रूर बनाइए और खाइए, सबको खुश करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।